सरकार के खिलाफ है। आज हमने यूटी सरकार का यहाँ पर पुतला दहन किया है। जिस प्रकार से कल एक हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार जो है वो अनंतनाग में एक मंदिर को क्षतिग्रस्त करके किया गया, उसका आज हम यहाँ पर रोष जता रहे हैं। कल हमने अनंतनाग एसएसपी से बात करने की बार बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन अटेंड नहीं किया और उन्होंने व्हाट्सएप से हमें मैसेज भेजा कि मैं हमने एक प्रेस रिलीज जारी की है, आप उससे जो है पूरा ब्यूरा ले सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार से हिंदू आस्थाओं के ऊपर प्रहार होगा तो उसका जवाबदेही कौन होगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एसएसपी अनंतनाग के पास है, तो क्या जवाबदेही जो है वो अनंतनाग एसएसपी की नहीं थी? उनका फर्ज नहीं था कि हमारे से बात करना, जो उन्होंने बात नहीं की। हम सीधे सीधे सरकार को आज चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द सरकार ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया नवरात्रों से पहले, और वहाँ की जो मूर्तियाँ खंडित हुई हैं उनका पूरा प्राण प्रतिष्ठा के साथ अगर पुनः स्थापित उनको नहीं किया गया, तो हम पहले नवरात्रे को गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। यह सीधी सीधी चेतावनी जो है वो हमारी सरकार के खिलाफ है। सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि 2019-20 में आपने हिंदू समाज से एक वादा किया था कि कश्मीर के अंदर जितने मंदिर हैं उनको दोबारा से पुनर्निर्माण कराकर उनको शुरू किया जाएगा, वो वादे कहाँ गए आपके? हम सरकार से यह भी मांग करना चाहते हैं कि सभी मंदिरों का सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो स्थापित किए जाए और हर मंदिर की जो है वो सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जाए यूटी सरकार के द्वारा। अगर ऐसा नहीं किया गया, आने वाले वक्त में कभी भी कहीं भी अगर किसी प्रकार से हमारी आस्था को ठेस पहुंची, हमारे मंदिरों को किसी ने छुआ, तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारी चेतावनी जो है वो सरकार को है। अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन।